अक्सर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका जन्म कौन सी तिथि को हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन हिंदी की कौन सी तारीख थी। कई बार अगर उनको ये भी पता होता कि उनका जन्म कौन सी तिथि को हुआ तो ये पता नहीं होता कि वो तिथि कृष्ण पक्ष की थी अथवा शुक्ल पक्ष की थी। और इसको जानने के लिए वो कई बार बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी खंगालते हैं मगर उनको एक सही आंसर नहीं मिल पाता। अगर आपके साथ भी ये स्थिति है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी इजी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिसमें कि आप कुंडली देखते ही जान लेंगे कि आपका जन्म कौन सी तिथि को हुआ है और वो तिथि शुक्ल पक्ष की थी अथवा कृष्ण पक्ष की थी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिएगा, जब भी हमें किसी व्यक्ति की कुंडली से उसकी जन्म तिथि का ज्ञान करना होता है तो हमें दो ग्रहों को ही देखना होता है। वो दो ग्रह हैं सूर्य और चंद्र। सबसे पहले आप किसी भी कुंडली में इन दो ग्रहों को देखेंगे, इनकी डिग्री को देखेंगे और आप एक सेंट्रल पॉइंट बना लेंगे सूर्य को। आप सूर्य को उस कुंडली में मार्क कर देंगे, जैसे कि मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं सूर्य को। सूर्य को मार्क कर देंगे और उसके बाद सबसे पहले आपको यह जानना है कि इस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है अथवा शुक्ल पक्ष में हुआ है। उसके लिए मैं एक सीधा सा फॉर्मूला आपको देता हूं। जब भी चंद्रमा सूर्य से सप्तम भाव में आता है, यानी कि सूर्य यहां बैठा है, किसी भी राशि किसी भी भाव में बैठा हो, सूर्य से चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में होगा तब पूर्णमासी की रात होगी। और जब सूर्य और चंद्र युति करेंगे, एक साथ बैठे होंगे, तब अमावस्या की रात होगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच की यही दूरी बताती है कि जन्म पूर्णमासी को हुआ है या शुक्ल पक्ष में, जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है अथवा कृष्ण पक्ष में हुआ है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पता है यहां तक पूर्णमासी होगी तो आपको सूर्य को देखना है। सूर्य से आगे के भाव में गिन लेंगे, यहां पर अगर चंद्र है, यहां चंद्र है, यहां चंद्र है, यहां चंद्र है, यहां चंद्र है, या यहां पर चंद्र है, तो आप कहेंगे इस व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। और अगर सप्तम भाव से आगे चंद्र निकल जाता है, सप्तम भाव में भी अगर आप देख लेंगे एक बार, अगर आपके पास सूर्य की डिग्री है तो सूर्य की डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो आप देखेंगे, अगर सप्तम भाव से आगे निकल जाता है तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, यानी कि पूर्णमासी के बाद का जन्म है। यानी कि अष्टम भाव में आता है सूर्य से चंद्रमा, नवम भाव में आता है, दसम भाव में आता है, ग्यारह भाव में आता है, बारह भाव में आता है, तो आप सीधा सा जानेंगे कि इस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है। अब जानना है कौन सी तिथि को हुआ है, ये जानने के लिए आपको सूर्य और चंद्र के बीच की डिग्री को कैलकुलेट करना है। उस डिग्री को कैलकुलेट करने के बाद आपको 12 से भाग दे देना है और जो आपके पास शेष आए वो होगी इस व्यक्ति के जन्म की तिथि। इसको समझाने के लिए मैं आज ही की गोचर कुंडली ले रहा हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जो बोर्ड पे आप ये चार्ट देख रहे हैं ये आज ही का अभी का है और आप देखेंगे यहां पर सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है और चंद्रमा है तुला राशि में। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सूर्य और चंद्र के बीच की दूरी देखनी है। अब आपने देखा कि चंद्रमा बैठा है यहां पर सूर्य से एक भाव पीछे, यानी कि बारह भाव में, यहां पर पूर्णमासी होती है तो उसके बाद का जो भी चल रहा है तो वो कृष्ण पक्ष का चल रहा है। तो हमने सीधा से लिख दिया कि इस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ होगा। अब हमें देखनी है तिथि। उसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक भाव में सूर्य की 30 डिग्री होती है। एक भाव में सूर्य की 30 डिग्री होती है। जितने भी भाव होते हैं, जैसे कि ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है, इनमें सब में सूर्य 30 डिग्री चलता है। सूर्य एक महीने में 30 डिग्री चलता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक भाव में 30 डिग्री होती है और सूर्य की डिग्री से चंद्र की कितनी डिग्री दूर है, सूर्य से चंद्र कितनी डिग्री दूर है, बस उसको आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देखेंगे एक भाव में, जैसे मैंने आपको बताया 30 डिग्री होती है, यहां पर आपने देखा सूर्य 26 डिग्री पहले से ही चल चुका है, 26 डिग्री चल चुका है, तो इस भाव में कितनी डिग्री बाकी बची, 4 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री होती है, 26 डिग्री चल चुका, इक्वल जब हमने 30 में से 26 घटाया तो हमारे पास आया 4, तो हमें 4 डिग्री वो लिख ली जो इस राशि में सूर्य की बची हुई है। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को हमें देखना है, तो यहां पर 30 30 30 यानी कि 4 डिग्री हमारे पास ही आ गई। अब उसके बाद यहां से कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाव के बाद चंद्र बैठा है, तो हमने 10 भाव की 30 गुणा 10 इक्वल 300 हमने 4 में जोड़ लिया।
हमारे पास टोटल आ गया 304। अब आगे देखना है कि चंद्रमा की डिग्री क्या है। चंद्रमा की डिग्री है यहां पर 23, यानी कि इस राशि में चंद्रमा 23 डिग्री चल चुका है। तो हमें जो चंद्रमा की डिग्री हमें दिख रही है केवल उसको जोड़ लेना है। टोटल आया हमारे पास 327 हमारे पास टोटल आ गया। अब टोटल 327 आने के बाद हमें करना क्या है, देखिएगा, चंद्रमा एक राशि में 12 डिग्री यानी कि एक दिन में 12 डिग्री चलता है। चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री चलता है तो हमें 327 को 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से जब 327 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो हमें बताएगा कि तिथि क्या है। जब हमने 327 को 12 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया बच के 27। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने तो खैर कैलकुलेटर से किया है। तो जब 27 आपके पास आएगा तो यानी कि आज जो चंद्रमा चल चुका है वो 27 दिन चल चुका है सूर्य से। अब आपको पता है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है तो आप 27 में से 15 को घटा दीजिएगा, क्योंकि 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। जब आपने 15 घटाया तो आपके पास बचकर आया 12 बचकर आया, यानी कि 12 दिन कृष्ण पक्ष के हो चुके हैं और उससे ऊपर 12.25 हो जाने के कारण आप कहेंगे कि आज कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि है, यानी कि आज त्रयोदशी है। बहुत ही इजी है, अगर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये भी समझ लीजिएगा। डिग्री अगर आपके पास नहीं है, आपके पास सूर्य और चंद्र की डिग्री नहीं है, तो बहुत आसान सा तरीका है कैलकुलेट करने का। उसके लिए आप ऐसा मानकर चलेंगे कि एक राशि में चंद्रमा लगभग 2.25 दिन रहता है। आपको सीधा सा कैलकुलेट करना है, 2 × 4 = 6 × 8 × 5 × 10 × 12 × 14 यहां पर 7 भाव पर आ जाएंगे। तो यानी कि आप समझ कर चलेंगे लगभग शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के आसपास का जन्म है, यानी कि आप 2-2 भाव गिनते जाएंगे। यहां पर अगर चंद्र बैठा है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे 2, 4, 6, 8 अष्टमी के आसपास का जन्म होगा। यहां पर जैसे चंद्रमा बैठा है तो आप लगाकर चल सकते हैं द्वादशी या त्रयोदशी का जन्म होगा। एक तिथि का वहां पर आपको कंफ्यूजन रहेगा। और अगर आपके पास एग्जैक्ट डिग्री है तो आप कैलकुलेट करके सीधा बता सकते हैं कि त्रयोदशी को हुआ है, चौदस को हुआ है या अमावस्या को हुआ है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला भी शेयर करूंगा जिसमें कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, बर्थ चार्ट नहीं है और आपके पास केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपनी केवल डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं कि आपका जन्म कौन सी तिथि को हुआ है। तो जुड़े रहिएगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।